आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में बलिया के उसरौली गांव का वीर सिपाही मनोज कुमार सिंह शहीद हो गए। शहीद हुआ वीर सिपाही अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं। जवान के शहीद होने की खबर मिलने पर जहां उनके घर में सभी शोकाकुल हैं, वहीं उन्हें सिपाही द्वारा देश पर शहीद होने का गर्व भी है। इस दौरान बेटे के शहीद होने के गम में डूबे पिता ने बताया कि बेटे के शहादत का उन्हें फख्र है कि वह देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। सिद्धार्थनगर में 5 दिवसीय हिंदू नववर्ष महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री अनिल राजभर और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह के साथ कई विधायक मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री राजभर का कहना था कि इस तरह का आयोजन होने से हिंदू समाज प्रेरणा लेगा। वहीं उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर भाजपा द्वारा कई अन्य कदम उठाने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और प्रदेश की सरकार ने कैसे कदम उठाए हैं और तमाम कार्यक्रमों का लाभ उठाकर आप बनारस के इलाके की माँ बहनें किस तरह से आत्मनिर्भर हुई हैं, ऐसी 20,000 बहनों का माताओं का कल कार्यक्रम हुआ जिसको श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की उपस्थिति में ऐसा हुआ। तो आज कहने की बात नहीं है, आज माँ बहनों का भी भरोसा, पूरे देश दुनिया का भी भरोसा भारत के प्रति और सरकारों के प्रति बढ़ा है। नाथुराम गोडसे को हिंदू आतंकवादी बताने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मेरठ में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी इस लायक नहीं कि गोडसे का नाम अपनी जुबान पर लाएं। अगर उन्हें गांधी जी से इतना ही प्यार है तो वह हमसे कहें, हम उन्हें गांधी जी के पास पहुंचा देंगे। वहीं गोडसे की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि गोडसे एक चिंतक और विचारक थे जिन्हें अदालत ने भी आतंकी नहीं कहा है। प्रदेश में अयोध्या मसले को लेकर आए दिन बयानबाजी बढ़ती जा रही है, जिसकी एक वानगी उस समय देखने को मिली जब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने अयोध्या में सिर्फ बाबरी मस्जिद बनने की बात कही। बता दें कि मऊ में पहली बार ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबरी मस्जिद बनने का बयान दिया। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात पर बीजेपी आई है और सबको साथ लेकर चले, इसी में बीजेपी की भलाई है। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का बाकायदा यह बयान है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद की जगह पर ही मस्जिद बनना चाहिए, और इस वक्त जो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं एक सस्ती शोहरत के लिए, वो बयानबाजी बंद होना चाहिए, क्योंकि ये मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है। जो देश की सर्वोच्च न्यायालय तय करे वो होना चाहिए। अलीगढ़ में डाक विभाग के एक डाकिया की करतूत सामने आई, जहां डाक विभाग के दस्तावेज, स्पीड पोस्ट और डाक से भरे दो बोरों को कबाड़ी की दुकान पर बेचते हुए लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर डाक विभाग के उच्च अधिकारी पहुंच गए और सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि डाकिया से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, वहीं उसके फरार साथी की भी जानकारी जुटाई जा रही है। मुजफ्फरनगर में आए दिन होने वाली पुलिस और बदमाशों के बीच की मुठभेड़ को देखते हुए SSP ने एक अनोखी पहल की, जिसमें उन्होंने पुराने बदमाशों को एक मौका देते हुए सुधरने का मौका दिया है, जिसके लिए SSP ने सभी थानों को आदेश दिया है कि वह अपने थाने के सभी हिस्ट्री शीटरों और बदमाशों को बुलाकर उनकी जानकारी हासिल करें कि वह अब अपराध में कितने सक्रिय हैं। जिसके बाद पहल की शुरुआत करते हुए कई थाना अध्यक्षों द्वारा क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर और बदमाशों को बुलाकर मीटिंग भी की गई। वाराणसी में पिंडरा तहसील के गठन के समय लगभग 800 गांवों को उसमें शामिल किया गया था, लेकिन एक बार फिर 10 गांवों को पिंडरा से निकालकर सदर में किया जा रहा है, जिसको लेकर पिंडरा के वकीलों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वकीलों का आरोप है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे के कारण पिंडरा तहसील का अस्तित्व खतरे में है। वहीं उन्होंने उक्त गांवों को पिंडरा तहसील में पुनः दर्ज करने की मांग करते हुए विरोध और हड़ताल को जारी रखने की बात कही है। एटा में अवैध शराब और शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जैथरा पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 600 पेटी गैर प्रांतीय अवैध देशी शराब और अवैध असलहा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा ट्रक में दूसरे प्रांत से अवैध शराब लाकर आसपास के जिलों में बेचने की सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर वाहन चेकिंग के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीतापुर के महौली में सुरभि गौ अनुष्ठान सेवा समिति द्वारा गौ भंडारा और पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गौ सेवा भाव की जनजागृति, साहित्य और उपासनात्मक स्वरूप को यथार्थ रूप में भाव एवं कर्म द्वारा प्रकट करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर मौजूद रहे विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में जल्द ही एक बड़ी गौशाला और चारागाह का शिलान्यास भी किया जाएगा।
सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व अवैध संबंधों को लेकर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने गांव के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने बताया कि मृतक के उसकी बहन के साथ अवैध संबंध है, जिसको लेकर कई बार उसने विरोध भी जताया था, लेकिन बात न मानने पर उसकी मजबूरन हत्या कर दी। हालांकि इस हत्याकांड का एक अन्य अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अमरोहा के डिडौली पुलिस ने बाइक लूटकर भाग रहे 15,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने पर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस दौरान बदमाश का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से लूटी गई एक बाइक और एक तमंचा सहित मोबाइल बरामद किया है। तीन तलाक के पछड़े से बचने के लिए अब तीन तलाक दिए बगैर ही निकाह करने के मामले सामने आने लगे हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर के डबौरा गांव में देखने को मिला, जहां एक मुस्लिम युवक ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को बगैर तलाक दिए ही दूसरी लड़की से निकाह कर लिया। वहीं पीड़ित पत्नी का आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।